माधो सिंघाना सीएचसी के अंदर काफी सामान दिया गया, क्या क्या चीजें आई है और ये क्या क्या काम आएगी? आज हमें सीएचसी माधो सिंघाना में 30 बेड दिए गए हैं जी, के लिए मैट्रेस 30 आए हैं और साथ पेशेंट्स के सामान रखने के लिए 30 लॉकर बेड साइड लॉकर आए हैं और एक डिलीवरी टेबल आई है हमारे पास जिससे कि डिलीवरीज वगैरह की सुविधाएं आम जनता के लिए बढ़िया हो सके। और पहले हमारे पास बेड की काफ़ी कमी थी तो इन बेड के आने के बाद हमें आम जनता जो पेशेंट है, गरीब पेशेंट है जो कि सरकारी संस्था में आके इलाज देखते हैं, उनके लिए ये सुविधाएं अच्छी मिल पाएंगी। किसकी तरफ से दी गई है, सरकार की तरफ से? सब मीनू मैनीवाल जी ने भेजी है, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारी संस्था को इतना सामान दिया और आगे भी इन्होंने वायदा किया है कि और सामान भी देंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आम जनता के लिए ये मसीहा बन के आए हैं जी। ठीक। और किसी भी सभ्य समाज के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत जरूरी है और आज स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देते हुए भाई मीनू जी बेनीवाल ने जो ये 30 बेड दिए हैं और इसका जो सामान है, चाहे वो बेडशीट है, लाइट है और एनीथीसिया मशीन जो दी है और स्ट्रक्चर वगैरह जो दिए हैं, इसके लिए मैं पूरे समाज की तरफ से और अलका इलाहाबाद की तरफ से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और ये एक बहुत बड़ा कदम है उनका। इससे पहले उन्होंने चोपटा के सामुदायिक केंद्र पर भी दिया था, जिस टाइम कोरोना के टाइम जब कोई आदमी बाहर नहीं निकल रहा था और उस टाइम जब ऑक्सीजन की बहुत बड़ी दिक्कत थी, नहीं मिल रही थी, बेड मुहैया नहीं हो रहे थे, उस टाइम भी भाई साहब ने वहाँ बेड और ऑक्सीजन मुहैया करवाई थी। इसके लिए भी हम पूरे समाज की तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं। ठीक। हम पहले तो समाज से ही का हमारे गांव की तरफ से, इलाका वासियों की तरफ से जो सी एच सी का फ़ायदा उठा रहे हैं उनकी तरफ से हम भाई साहब का बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज मीनू भाई साहब ने 30 बेड दिए जी, 30 साइड बेड लॉकर दिए हैं, एक ओटी टेबल दी है, एक ओटी लाइट दी है, एक एनीथीसिया मशीन दी है, दो व्हील चेयर दी है, तो इसके लिए हम मीनू बेनीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि इसी तरह वो समाज सेवा करते रहें, उनको भगवान यश बुद्धि सद्बुद्धि दे। और साथ में आई हुई सारी टीम का, हल्के से जो भी जितने भी लोग मेरे साथ आए हुए सभी का धन्यवाद करता हूँ। और हमारे जो 45 साल के कैप्टन बोलते हैं मीनू बेनीवाल जी, उनका भी धन्यवाद करते हैं और उनका स्वागत करते हैं कि ये सामान देने के लिए और आगे भी जो डिमांड डॉक्टर साहब ने मुझे पूछी है हमने वो भी उनकी पूरी करेंगे। अगले हफ्ते सामान पहुंचने वाला है और जो इन्होंने गांव वालों ने भी हमारे से डिमांड रखी है, या डॉक्टर की कमी है या कुछ स्टाफ की कमी है, कुछ चीज़ों की कमी है, वो भी हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे जल्दी से जल्दी पूरी कराई जाए। और बार बार हम इसमें डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला, डॉक्टर अपने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी और मीनू बेनीवाल जो हमारे 45 साल के कैप्टन के नाम से भाई हैं, मशहूर हैं, उनका हम तय दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। आशा करते हैं कि दोबारा हमारी जो चीज़ें हैं, जो कमियां रही हैं, उनको पूरी कराने में मदद करेंगे। ठीक है। हाँ जी सरपंच साहब, सीएचसी में काफ़ी कुछ सुविधाएँ आज प्रदान की गई है मीनू बेनीवाल जी की तरफ से, क्या कुछ कहेंगे? उनका धन्यवाद करेंगे जी, समाज सेवी है, इन चीज़ों की बेड की और भी जो इंस्ट्रूमेंट है इनकी कमी थी। पहले हमारे लोकप्रिय विधायक अभय सिंह जी ने ये सीएचसी मंजूर करवाई थी और इसमें आज भी इन चीज़ों की कमी थी। मीनू भाई साहब का धन्यवाद करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट आए हैं और इसके अलावा यहाँ स्टाफ की भी कमी है और भी जैसे एक्सरे मशीनें और इसके अलावा डेंटल डॉक्टर की और जो आँखों के डॉक्टर की और भी कई कमियां है और स्टाफ भी कम है। इसलिए मैं तो यही मांग करूंगा विधायक जी से भी कहेंगे भी विधानसभा में ये क्वेश्चन उठाएं, क्योंकि स्टाफ के बगैर बिल्डिंग से तो कोई इतना लंबा चौड़ा फायदा होने वाला नहीं। जो जो यहाँ मूलभूत जरूरतें हैं वो, ताकि माधो सिंघाना बड़ा गांव है, इनको फायदा मिले और भी इलाके के जो गाँव है आसपास के, क्यों ये सीएचसी के अंडर लगभग अड़ोसी पड़ोसी 10-12-15 गांव है, वो सारे यहीं आते हैं, तो उनको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। आपने डिमांड पहले भी सरकार को कभी भेजी थी जो सामान आज मीनू बेनीवाल जी ने दिया है, इससे पहले आपने सामान की डिमांड की थी? इस सामान की भी यहाँ सीएचसी की बिल्डिंग बन चुकी है, यहाँ रेजिडेंस के लिए भी, जो स्टाफ के लिए, डॉक्टर के लिए स्टाफ क्वार्टर वगैरह, उनकी भी डिमांड हमने भेज रखी है। हेल्थ डायरेक्टर को भी दे रखी है, सीएम साहब को भी दे रखी है, हेल्थ मिनिस्टर को भी दे रखी है और इनकी वो भी अभी तक पेंडिंग है। बिल्डिंग बन चुकी है लेकिन स्टाफ के ठहरने के लिए यहाँ कोई
उनके लिए वो स्टाफ की जो बिल्डिंग है, जो क्वार्टर वगैरह है वो अभी नहीं बने हैं, वो भी पेंडिंग है। और स्टाफ के बारे में भी काफी बार हमने रेजुलेशन भी दिए हैं, तो वो अभी तक जो की त्यों ही है। बिना डिमांड काफी कुछ सामान मीनू जी की तरफ से भेजा गया, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, भेजा गया उसके लिए तो हम धन्यवाद करते हैं, गांव की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से। कोई भी समाज सेवा में अगर अपने निजी कोष से अगर कोई सहायता या कोई जो भी सामान देता है तो उसका लिए उसके लिए धन्यवाद करते हैं। ये लोगों के काम ही आएगी ये चीज़ें। जी ठीक है जी, शुक्रिया जी।